हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नारियल के लड्डू की रेसिपी। नारियल के लड्डू जो है हम आपको ताज़े नारियल से बनाकर दिखाएंगे। ये वाले लड्डू जो हैं खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये लड्डू इतने सॉफ्ट बनते हैं कि मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। इन्हें बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, ये फटाफट से बन जाते हैं। आपको भी ये टेस्टी लड्डू बनाने हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 150-250 ग्राम का जो है ताज़ा नारियल लिया है। नारियल को बहुत ही अच्छे से वॉश करने के बाद जो है मैंने बीच में से कट कर लिया है। नारियल के ऊपर से इसका हम सारा छिलका हटा देंगे और इसके जो है हमने छोटे छोटे से टुकड़े बनाकर इस तरीके से कट कर लिया है। इसे हमें बिल्कुल दरदरा सा ग्राइंड करना है, बारीक पेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, इस तरीके का दरदरा होना चाहिए एकदम परफेक्ट। नारियल को अगर हम इस तरीके से दरदरा ग्राइंड करते हैं तो लड्डू जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं। कढ़ाई को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए और 1 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर देसी घी डाला है। जब घी हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तो सारा नारियल जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। नारियल को हमें कम से कम 3 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भूनना है, जिससे कि इसमें एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। लगातार चलाते हुए भूने, बिल्कुल भी हाथ रुकना नहीं चाहिए। 400 ग्राम लिया है मैंने अमूल फुल क्रीम दूध। इसे मैंने जो है 5 मिनट के लिए पका लिया था। ये पकने के बाद जो है थोड़ा कम हो गया है। जो इसके ऊपर मलाई आई थी वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दी है। मलाई से जो है ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी आधी कटोरी मलाई और एक्स्ट्रा है तो आप मलाई इसके अंदर डाल दें तो आपके लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। लगातार चलाते रहें, तले में बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए। अगर ये तले में लग जाएगा तो इसकी टेस्ट और खुशबू जो है दोनों बिगड़ जाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं इसे बिल्कुल इसी तरीके से पकते हुए। देखिए दूध जो है 90% जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। यहाँ पर हम डालेंगे चीनी। मैंने जो है इसमें 1 कप चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको इलायची पाउडर की खुशबू पसंद है तो इसके अंदर आप 1/4 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दें, मैंने नहीं डाला है। ये देखिए दूध जो है बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है। फौरन फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे फैन के नीचे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। आपको नारियल के लड्डू की वीडियो पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपने अगर हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। मिक्सचर जो है अब थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसके लड्डू जो है आसानी से बन जाएंगे। लड्डू जो है आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज़ के बना सकते हैं, जितना भी साइज़ आपको पसंद है। मिक्सचर जो है ये ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, अगर ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनेंगे। देखिए लड्डू जो है एकदम परफेक्ट बने हैं। मैंने जो है यहाँ पर थोड़ा सा बादाम और पिस्ता को बारीक क्रश कर लिया है और लड्डू के ऊपर लगा दिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना हमारे तरीके से, फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। लड्डू जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में माशाल्लाह इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।